सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, जिस वेबसाइट पे आप लोग अपने फोटो को अपलोड करके उसका बैकग्राउंड फुल HD में रिमूव कर सकते हो सिर्फ वन क्लिक में। तो गाइज यार, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सब कुछ जानने को मिलेगा, तो फटाफट से इस वीडियो को आप लोग कर दीजिए लाइक। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे हम रोज लेके आते रहते हैं। तो चलिए गाइज, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो ऑल राइट गाइज, सबसे पहले आप लोगों को अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ जाना है। एंड आने के बाद गाइज, आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन पे एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग सिंपली क्लिक करके चले जाना उस वेबसाइट के अंदर। तो मैं तो गाइज अपने नोटबुक पे सेव करके रखा हूँ, तो आप लोग भी वहाँ से कॉपी करके नोटबुक पे सेव करके रख सकते हो। सो यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली वेबसाइट है गाइज, ये है लिंक वेबसाइट की। तो इस पे मैं सिंपली लॉन्ग प्रेस करूँगा एंड इसको मैं सिलेक्ट ऑल सेलेक्ट टेक्स्ट करके इसको पूरी तरीके से मैं कॉपी कर लूँगा एंड पूरा मैं बैक आ जाऊँगा। एंड आप लोग जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हो ना, उस ब्राउज़र के अंदर चलना, जैसे कि मैं क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ एंड यह सर्च बार पे मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे सर्च बार पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। करने के बाद गाइज मैं इसको सिंपली सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, तो गाइज ये जो है हमारा है ना, ये वेबसाइट खुल के ओपन हो जाएगा एंड कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ देख सकते हैं, रिमूव द बैकग्राउंड फ्रॉम योर फोटो फॉर फ्री है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये है एडोबी स्पार्क इसका नाम। तो गाइज आप लोगों को इसी एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है, सॉरी इस वेबसाइट के अंदर। एंड आने के बाद गाइज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को इसमें फ़ोटो को कैसे बैकग्राउंड फ़ोटो का रिमूव कर सकते हो, वो भी बिल्कुल HD में। तो गाइज इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ पे अपलोड योर फोटो का ऑप्शन है ना, यहाँ पे इस पे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है आप लोगों को। एंड करने के बाद गाइज आप लोगों के सामने ना कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं एंड देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ से अपलोड इमेज पे अब हमको क्लिक करना है सिंपली। एंड करने के बाद अगर आप लोग कैप्चर करके कैप्चर करना चाहते हो तो फोटो तो कैप्चर कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी मेरे गैलरी में है, तो मैं डॉक्यूमेंट के अंदर चलूँगा, तो मैं अपने गैलरी से अपने फ़ोटो को उठा के सेव करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ गाइज, अपना रॉ फ़ोटो। सो ये वाला ले लेता हूँ एक फ़ोटो मैं यहाँ से, ओके। एंड लेने के बाद गाइज ये थोड़ा सा हमारा लोडिंग लेगा, मतलब थोड़ा देर तो लगेगा ही, क्योंकि यार अच्छे तरीके से रिमूव करेगा तो 2 से 1 मिनट लेगा ज़्यादा या 1 मिनट से कम भी, ओके। तो इतना करने के बाद गाइज देख सकते हो अब हमारा ये इतना हो चुका है। एंड देख सकते हो गाइज काफ़ी मस्त तरीके से हो गया। एंड यहाँ से हमें इसको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद गाइज ये फ़ोटो ना, ये जो PNG है आप लोगों का, ओके पे क्लिक कर दोगे तो ये आप लोगों का गैलरी पे हो जाएगा सेव। एंड गाइज क्वालिटी पे बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं है, क्वालिटी वही रहेगा जो आप लोग जो क्वालिटी पे डालोगे, ओके। तो मैं आप लोगों को इसकी क्वालिटी दिखा दूंगा। तो यहाँ से मैं सिंपली बैक चलता हूँ पूरा। एंड जाने के बाद गैलरी के अंदर अपने चलता हूँ, तो गैलरी के अंदर जाता हूँ एंड एल्बम, ओके। एंड यहाँ से गाइज मैं सबसे पहले आप लोगों को अपना रॉ फ़ोटो दिखाता हूँ। तो ये रहा रॉ फ़ोटो, ये देख सकते हो जूम करके इसकी क्वालिटी देख सकते हो, इस फ़ोटो की कुछ इस तरीके से है इसकी क्वालिटी। एंड डिटेल्स पे चल के मैं इसका देख सकते हो यहाँ से साइज़ कितना है, ओके। एंड यहाँ से साइज़ देख लो। इतना करने के बाद बैक आ जाना है गाइज हमको, तो सिंपली मैं बैक आ जाता हूँ। एंड आने के बाद मैं अपना PNG वाला फ़ोटो देख सकते हो यहाँ पे तो सबसे पहले देखो हेयर्स को भी कितने अच्छे से ये मतलब छांट के अलग किया है एंड कितना बेहतरीन तरीके से हमारा ये जो है बैकग्राउंड को इरेज किया। एंड क्वालिटी देखो गाइज बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटी है, बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ है हमारा क्वालिटी। इसका भी मैं डिटेल्स पर चल के दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ से देख सकते हो ये, ओके। एंड इतना करने के बाद गाइज देख सकते हो काफ़ी मस्त तरीके से जो है ना हमारा जो बैकग्राउंड है इरेज हो गया है वन क्लिक में। आई होप कि गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सब कैसे करना है। एंड गाइज आप लोग कभी भी कर सकते हो, एक दिन में कितना भी बार कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक दिन में सिर्फ इतना लिमिट दिया होता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन में कितने भी बार कर सकते हो। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड ये जो छोटा सा ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना गाइज कैसा लगा। मिलते हैं किसी ऐसी कमाल की नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।